भी तरीके का लोन अगर आप वीकली पेमेंट करना चाहते हैं तो वीकली इंस्टॉलमेंट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी मंथली इंस्टॉलमेंट सिस्टम की, यानी कि ईएमआई किस तरीके से हम निकालते हैं, लेकिन काफी लोगों की ये भी क्वारी आने लगी कि सर वीकली हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वीकली पेमेंट हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, यानी वीकली पेमेंट के कस्टमर हमारे पास ज्यादा आते हैं, तो सर हमें वीकली पेमेंट का ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा रूल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि माइक्रो फाइनेंस एक्सीडेंट कंपनी में जो अभी तो वैसे नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नए रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, और एमसी ने यह भी बोला है कि भाई जो पुराने कंपनी हैं जो माइक्रो फाइनेंस चल रही है वो भी बंद की जा सकती है। आरओसी को डायरेक्शन दी है कि भाई आप चेक करें जिस जिस कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है या फिर एक्टिविटी कोड 65 है या फिर ऑब्जेक्ट में स्पेशली माइक्रो फाइनेंस लिखा हुआ है, तो वो कंपनी अपना ऑब्जेक्ट उन कंपनी को चेंज कराना पड़ेगा एज पर डायरेक्शन ऑफ एमसी आरओसी। मतलब जब आरओसी आपको नोटिस देगा तो आपको चेंज कराना ही पड़ेगा, जब तक आपको नोटिस नहीं मिलता तब तक आप अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हम लोन दे सकते हैं नॉर्मली 50,000 तक का अनसिक्योर्ड लोन, और 50,000 में हम दो कैटेगरी बना लेंगे, एक होता है लोन 30,000 से कम और एक 30,000 से ज्यादा 50,000 तक। अगर लोन का अमाउंट कितना है दोस्तों 30,000 से ज्यादा का है तो उसका टाइम पेमेंट का पीरियड कितना होगा, कम से कम 24 महीने होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 36 महीने उसका टाइम पीरियड होगा। ये वाला जो रिकवरी है आप चाहें तो मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, आप चाहें तो वीकली इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर लोन का अमाउंट आपका 30,000 से कम है, ठीक है, तो आप 6 महीने मतलब कम से कम 6 महीने का पीरियड रहेगा और ज्यादा से ज्यादा उसका 24 महीने पीरियड रहेगा। ज्यादा से ज्यादा की वैसे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर भैया 30,000 से कम का है तो आप 24 महीने से कम में उसको रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो 6 महीने हो, 12 महीने हो, 18 हो, 15 हो, या 21 हो, या 24 हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर वीकली इंस्टॉलमेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है वैसे हम डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे, आपको लास्ट तक देखना आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ये फॉर्मेट ये वाला एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 100-200 रुपए पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली हमें मैंने ये शीट इस तरीके से बनाई है कि आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसमें कुछ डिटेल चेंज करेंगे और ये सारी की सारी सीट ऑटोमेटिकली चेंज होकर के आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी, कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितना प्रिंसिपल रहेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी वीकली रहेगी। तो यहाँ पर इनपुट वैल्यू हमारी है, इनपुट वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू हमें डालनी होगी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। ठीक है, जैसे लोन अमाउंट कितना हो गया भैया 25,000 हमारा लोन अमाउंट है, प्रोसेसिंग फीस हमारी कितनी है 1% माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ले सकते हैं तो 250 रुपए की आ गई। फाइल चार्ज हम कुछ लगा सकते हैं 200-300 रुपए का हमने मान लो फाइल चार्ज लगा दिया। इंश्योरेंस चार्जेज, ये दोस्तों वो इंश्योरेंस चार्जेज होते हैं अगर आपने अपने इस लोन को इंश्योर्ड करा लिया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो जितना एक लोन को इंश्योरेंस करने में फीस जाती है वो फीस आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस चार्ज आप तभी रिकवर करेंगे अगर आपने एक्चुअल में अपने लोन का इंश्योरेंस कराया हुआ है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है तो आप इंश्योरेंस चार्ज कस्टमर से चार्ज यानी रिकवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने कराया है, अगर नहीं कराया तो ये आप यह सीधा सीधा जीरो कर देंगे। ठीक है, हमने मान के चला कि भैया 400 रुपए की फीस आ गई है। अब लोन का एक्चुअल अमाउंट कितना था 25,000 और ये फीस वगैरह लगाने के बाद 900 रुपए की एक्स्ट्रा और होगी, तो तुम्हारा टोटल लोन का अमाउंट कितना हो गया 25,900 का हो गया। अब इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम कितना ले सकते हैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में 26% का। ठीक है, आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 20% या 25% भी ले सकते हैं। ये दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है एनुअल होता है। ठीक है, तो पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो कि हमें रिड्यूसिंग पेमेंट मेथड पे निकालनी होती है, यानी कि हर ईएमआई के बाद में हमारा प्रिंसिपल जब भी आप इंस्टॉलमेंट देते हैं तो कुछ उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट होता है कुछ उसमें इंटरेस्ट का होता है, तो जितनी जितनी हम ईएमआई देते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रिंसिपल कम होता रहेगा, और प्रिंसिपल जब कम हो जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट भी हर ईएमआई पे कम होता रहेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर ही रहेगी। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल कम ज्यादा होते रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे 26 ले रहे हैं। अब बात आती है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन दोस्तों हमें पहले हमने मंथ में निकाली थी, लास्ट वीडियो में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और ये किसमें दोस्तों वीक में, तो वीक में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक साल में यानी 12 मंथ में 52 वीक होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपको लोन देना है एक साल का तो और वीक में आपको पेमेंट चाहिए तो आप 52 वीक यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लोन देना है 6 मंथ के लिए और आपको वीक में पेमेंट चाहिए तो आप 26 वीक कर देंगे। ठीक है, तो कम से कम 6 महीने के लिए हमें लोन देना होता है तो हम 6 महीने से कम का यानी 26 वीक से कम का नहीं देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, यानी एक साल में कितने वीक होते हैं दोस्तों 52 होते हैं, 6 महीने में 26 होते हैं, और अगर आपको 2 साल का चाहिए तो आप 104 वीक कर सकते हैं।
ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना बिग चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू डाली है और मेरी सारी सीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 104 बिग तक की ही ये बनाई है, यानी 2 साल तक की। अगर आपका लोन का अमाउंट ज्यादा है, यानी 2 साल से भी ज्यादा है ड्यूरेशन लोन की ड्यूरेशन अमाउंट, तो आप मंथ में ही रिकवर करना बेस्ट समझे। अगर आप दे रहे हैं 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए, तो आप बीक में रिकवर कर सकते हैं। कुछ लोग वीकली पेमेंट प्रेफर करते हैं क्योंकि पेमेंट का फ्लो जल्दी जल्दी आता रहता है। लेकिन दोस्तों ये भी रहता है कि जो लोग बिजनेस वगैरह में हैं, यानी जिनका ठेला शॉप दुकान इस तरीके से है, जिनका पैसा डेली आता रहता है, वो तो वीक में इंस्टॉलमेंट आपकी दे पाएंगे। लेकिन जो लोग सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जो सैलरी वगैरह करते हैं, तो उनकी सैलरी ही मंथली आती है, तो हो सकता है वो आपकी पेमेंट वीकली इजिली ना कर पाए, तो हो सकता है वो मंथली पेमेंट करना ज्यादा इजिली समझे। तो आपको पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है, कस्टमर का बेस समझना है कि भाई कस्टमर किस तरीके से करता है, कस्टमर क्या करता है, उसके हिसाब से कस्टमर को ऑप्शन देना है वीकली पेमेंट का या फिर मंथली पेमेंट का। ठीक है, तो हमने ये इंस्टॉलमेंट डाली है। अब मैं इसको सबको जीरो कर देता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी सब कुछ देख सकते हैं, कोई फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूले के बेस पर ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के सब कुछ आता है। तो ये हमारी द रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब वीकली हमारी इंस्टॉलमेंट ईएमआई वैसे तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, तो ईएमआई कहना सही नहीं रहेगा जब हम वीक में पेमेंट लेते हैं। तो ये हमारा वीकली इंस्टॉलमेंट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल पेमेंट कितना आ जाएगा ऑल इंस्टॉलमेंट को लगा करके, उसकी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। टोटल इंटरेस्ट ऑल इंस्टॉलमेंट में टोटल इंटरेस्ट आपने कितना दिया, उसकी डिटेल आपको यहां पर दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमारी इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी। अब हम यहां पर करते हैं दोस्तों, आप कितने का लोन कर सकते हैं, 25,000 का तो हमने कर लिया था, मैं 28,000 का यहाँ पर लोन करता हूँ। ठीक है, 1% हम इस पर लगा लेंगे प्रोसेसिंग फीस, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लें या 280 रुपये वैसे ही कर सकते हैं। 280 रुपये का फाइल चार्ज भी आप 250 रुपये लगा सकते हैं, इंश्योरेंस फीस आप 420 रुपये लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका लोन का टोटल अमाउंट हो गया 28,950 रुपये का। अभी इंटरेस्ट रेट 26% मैक्सिमम है, आप चाहे तो 25 या 26 लगा सकते हैं, हम 26 ही लगाएंगे। कस्टमर आपके पास आया, कहता है सर मुझे 6 महीने का चाहिए, लेकिन सर आप मुझे 12 महीने का बता दो कितनी ईएमआई यानी कितनी इंस्टॉलमेंट रहेगी। आपने यहाँ पर 6 डाला और आपको 6 महीने की इतनी मिल गई है। ठीक है, 6 वीक की है ये, यानी 6 महीने का अगर कस्टमर मांग रहा है तो आपको 26 वीक देना होगा। तो 26 वीक की ईएमआई कितनी आ गई है, 1190 रुपये 18 पैसे की दोस्तों इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, सब कुछ टोटल अपने आप यहाँ पर आ गया। टोटल पेमेंट हम कर देंगे, टोटल पेमेंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे सम करके। मैं ये फॉर्मूला आप सारे में 0-0 ना करें दोस्तों, जब भी आप एक सीट लेंगे, क्योंकि बाद में फॉर्मूला लगाने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप सिर्फ अपना अमाउंट चेंज कर सकते हैं और किसी सीट में आप 0 ना करें। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको कर देते हैं टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, टोटल ईएमआई की पेमेंट ही टोटल पेमेंट हमारी होती है, और टोटल इंटरेस्ट की पेमेंट भी हम सम करके इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 6 महीने में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1994.72 रुपये। टोटल कितना पेमेंट रिटर्न करना कस्टमर को, 30,944.72 रुपये, या हम इसको सेटअप करके 945 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब ऑटोमेटिकली अगर हम इसी अमाउंट को 28,000 को कितना कर देंगे दोस्तों, 20,000 हम कर देंगे। ठीक है, 20,000 कर दिया, आपको कुछ चेंज नहीं करना, आप सिर्फ 20,000 कर देंगे। देखो एंटर मारा, ये सब कुछ अब ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। प्रोसेसिंग फीस फाइल चार्ज अगर कम जा रहा है तो ये आपको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। इंश्योरेंस फीस अगर कम जा रहा है तो ये आपको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हैं हो गया है। अब कस्टमर आपके पास आया, कह रहा है कि सर मुझे ना 6 महीने की चाहिए, वैसे तो वीकली पेमेंट चाहिए, लेकिन आप मुझे बता दो कि 9 महीने में कितना होगा, 12 महीने में कितना होगा। तो हम कहते हैं ठीक है 12 महीने में हम आपको बता देते हैं, हमें क्या करना भैया, एक क्लिक करना है, 26 क्लिक आप 52 कर देंगे 12 महीने के लिए, एंटर मार देंगे, सब कुछ ऑटोमेटिकली देख सकते हैं अपने आप चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं अपने आप ये चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो पेमेंट है ना, टोटल पेमेंट, ये दोस्तों हमें फिर से टोटल पेमेंट वैसे तो कस्टमर बता ही देगा कि कितनी होती है, फिर भी हम यहां पर ये आपको इस तरीके से करके जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट है जहां तक आ रही है, जैसे 52 तक है, तो 52 तक हमें सेलेक्ट करके ऐसे और यहां पर एंटर मार देना है। वैसे हमें इंटरेस्ट में भी मार देना है, क्योंकि पहले मैंने कितनी दिखाई थी, 26 वीक की दिखाई थी, तो हम इसको 52 वीक में दोस्तों अब हम इसको इंटरेस्ट को दिखा देंगे। वैसे तो देखो इंटरेस्ट वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कस्टमर को दिखाने के लिए हमें सारी चीजें बतानी पड़ती है दोस्तों एक्चुअल में। अब जब भी आप लोन देंगे किसी कस्टमर को, जितने के लिए भी देंगे फाइनल करके, मान लो 52 वीक के लिए आप दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो कस्टमर का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे ऊपर टॉप में। ठीक है, नेम ऑफ द
एप्लीकेंट या बोरोवर आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड अकाउंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर, जो आपने लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर उसी के हिसाब से आप अकाउंट नंबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम और अकाउंट नंबर करके इसका आप प्रिंट पीडीएफ करेंगे इस तरीके से सारे पेजेस का। आप चाहें तो कस्टमर को ऑनलाइन दे सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल पर। आप ज्यादातर ईमेल प्रेफर करें क्योंकि व्हाट्सएप से डाटा डिलीट भी हो जाता है। और आप दोस्तों इसको प्रिंट पीडीएफ करके कस्टमर के साइन करा के अगर आप फिजिकल दे रहे हैं, और अपने साइन करके एक कॉपी अपने पास रखनी है और एक कस्टमर को देनी है। अगर आप इसको व्हाट्सएप वगैरह पर दे रहे हैं या ईमेल पर दे रहे हैं तो आप इसको एक कॉपी, मतलब जब भी आप ईमेल करें तो कस्टमर को बता दें कि भैया हमने ईमेल कर दी है और आपकी सारी डिटेल इसमें अब आपको दे रही होगी। ये देख सकते हैं हम दोस्तों सारी डिटेल। इसको थोड़ा सा हम, अगर हमारा एक ही पेज पर नहीं आता एक्सेल के, तो हम इसका जो है एडजस्ट टू 65% कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारे सारा का सारा आ गया है। हम इसको प्रिंट पीडीएफ में कर लेंगे, जैसे मैं कर लेता हूँ सीपीपी। अब यह अगर हम जाएंगे, जैसे हमने डाउनलोड में सेव किया था, तो ये देख सकते हैं हमारी सारी के सारी दोस्तों आ गई है 52 वीक की। ठीक है, एकदम बढ़िया से सीट हमारी एक ही पेज में ये आ गई है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही पेज में ये है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि वीकली इंस्टॉलमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्मेट चाहते हैं यानी एक्सेल शीट में चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी हमारे थ्रू ही रजिस्टर्ड है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये शीट सेंड कर दी जाएगी। आप समझने के लिए वीडियो 2-3 बार देख सकते हैं, आपकी एक एक क्वेरी दोस्तों क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।